जिंदा थे कि मर गए थे अभी नहीं पता, हो सकता है कि उठा करके घसीट पसीट करके भी मुड़ा दिया होगी। ट्रिपल मर्डर केस में जनार्दन सिंह सिरवाल छपरा जिले के रसूलपुर स्थित धानाडी गांव पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें जिस प्रकार से एक सनकी आशिक ने पिता और दो बेटियों की हत्या कर दी है, माँ पर भी हत्या किया था लेकिन वो बच बचा कर भागी और पुलिस को इसकी जानकारी दी है। तो पहले आप सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। एक सिस्टम बना हुआ है कि बड़ी कभी कहीं उठेगा तो पंचनामा बनेगा, पंचनामा के सिस्टम से जाना चाहिए। यहाँ के विदेशी यहाँ है, यहाँ अन्य जनप्रतिनिधि के अलावा यहाँ लोकल गाँव के लोग आसपास के लोग थे उनको बुला करके उसको पंचनामा बना करके ले जाना चाहिए, लेकिन यह भी नहीं हुआ। अभी लोगों का एक अलग है कि वो समय हम लोग जिंदा थे कि मर गए थे अभी नहीं पता, हो सकता है कि उठा करके घसीट पसीट करके भी मुड़ा दिया होगी जल्दी जल्दी अफरा तफरी में, यह भी बात एक बनता। तो यह भी हमें लगता है कि बहुत दुर्भाग्य की बात, ये भी नहीं होना चाहिए था अफरा तफरी में बड्डी को खींच खाच कर करके ले जाना और आम लोगों को लास्ट तक ये झांसा देते रहना कि सर बड्डी यही है यही है यही है। समय भी कहते तो सब लोग शासन प्रशासन और कानून को साथ लेकर के चलने वाले लोग, कोई कानून को हाथ में लेकर लेने वाले लोग, कानून का साथ देने वाले लोग, कानून को लोग और संविधान को लोग पकड़ा होगा बनना होगा तबे मैंने इसे घटना घटी है तीनों। परिवार पर मेरा एक उसके परिवार पर भी अभी भी परिवार के लोगों पर लोगों में काफ़ी हम तो सब लोगों को कहें कि नहीं प्रशासन पर हम लोगों को भरोसा कर करके कानून पर भरोसा कर करके काम कर। तो आपने सुना किस प्रकार से बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने भी लापरवाही किया, बिना पंचनामा किए वो बॉडी को ले गए हैं। तारकेश्वर सिंह के सहित उनकी दो पुत्रियों का हत्या जो है वो रोशन नाम का व्यक्ति जो है वो कर चुका है, हालांकि अपना गुनाह भी वो कबूल कर चुका है। आपको बता दें कि जो रोशन है वो चांदनी से प्यार करता था, घर वाले के विरोध करने के बाद उसने तीनों की हत्या कर दी और जो लड़की की माँ थी वो बच बचाकर भागी और पुलिस को इसकी जानकारी दी है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com।